जो पिछले 10 साल से एनर्जी जनरेशन पर काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपना प्रोविंशियल रिसोर्सेज से मूल की बिजली इश्यू को हल करने के लिए. मियां साहब और नून लीग की हुकूमत है, वफाक की जिम्मेदारी है. इन्होंने KESE को प्राइवेटाइज किया MQM के साथ मिलकर मुशर्रफ के दौर में. MQM और ये जो लोग आज नून लीग में है, इन्होंने KESE को प्राइवेटाइज किया और आजकल वो KESE को गैस भी नहीं दे रहे हैं ताकि वो कराची में बिजली नहीं दे सकते हैं, बिजली भी नहीं दे रहे हैं, ओवर बिलिंग कर रहे हैं. अगर आप बिजली नहीं देते हो, नहीं देते हो 18-18 घंटा, 12-12 घंटा, ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है. मैं जानता हूँ कि यहाँ देहात में वो ऐसे ही होता है, पूरे सिंध में ऐसे ही होता है, बलूचिस्तान में भी होता है. अगर एक शहर में नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पंजाब में बिजली का मसला नहीं है या खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का मसला नहीं है. लेकिन आप कैसे कह सकते एक हुकूमत का नुमाइंदा कहता है कि ये लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, हम बिजली नहीं देंगे. आप बिजली कब दे रहे थे? 12-12 घंटा बिजली नहीं है और आप बिल के मांग रहे हो. ये ज्यादती क्या है गरीब आवाम के साथ? ये टारगेट कर रहे हैं गरीबों को. जैसे साहब जो है वो ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं. चीफ जस्टिस साहब जो है काफी उम्मीदें उस पर थे और है, आज भी है. हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इंसाफ दिलवाएंगे, कानून के मुताबिक इंसाफ दिलवाएंगे. मेरा ख्याल है पिछले में एक डेमोक्रेट हूँ और जमहूरियत में हर इदारा अपना इंस्टीट्यूशन में रहकर अपना काम करता है. मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तजवीज़ ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर जज ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू या तकरीरें के थ्रू बात कर रहे हैं तो ये एक ट्रेडिशन होता है जमहूरियत में कि जज स्पीक्स थ्रू इज जजमेंट्स. तो अननेसेसरी तंकीद आता है जहाँ हम सब समझते हैं कि ये जो जुडिशरी है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये पैनामा केस जो इतना मुश्किल केस है उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि कोई एक्सक्यूज ना दो दूसरे को आपको तंकीद करने के लिए और अपना डोमेन में रहें. आपने कहा था कि 6 महीने में हमें इस केस में फैसला आएगा, उस पर फोकस दे दे, उस पर हमें थोड़ा सा सिंध गेम्स में करप्शन हुआ है. कोई मुझे सबूत या एक्यूजेशन नहीं मिला है कि करप्शन हुआ है या नहीं, लेकिन मैं